नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 जून 2018 के करेंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 7 जून को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस या न्यूज़पेपर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स और GS का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करेंट अफेयर्स से लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स सेशन। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, भारत जो है ये इस सूचकांक में 177वें स्थान पर है। और देखिए, इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला ये कि भारत जो है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 177वें स्थान पर है और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम जाता है तो वो जो है टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम पूछ लेता है कि जो सूचकांक है उसमें पहले स्थान पर कौन है, दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए, आजकल एग्जाम में एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि कौन सा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है और कितने देशों को उसमें शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में भी। देखिए, ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया है। और देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में 10 श्रेणियों के अलग अलग 24 मुद्दों पर रिसर्च किया गया है, जिसमें वायु की गुणवत्ता, जल एवं स्वच्छता, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता और आपका जो जंगल यानी कि वन है इसके कटाई और जो अवशिष्ट जल उपचार हैं इनको शामिल किया गया है। दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं पर लगे ड्राइविंग पर प्रतिबंध को हटाते हुए महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया है? तो देखिए, ये देश है आपका सऊदी अरब। और देखिए, एक खास बात यह है कि सऊदी अरब जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने महिलाओं पर गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा था अब तक, ठीक है, यानी कि इनको जो है महिलाओं को जो है सऊदी अरब में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी। और लेकिन अभी जो है इसको हटाते हुए, मतलब इस प्रतिबंध को हटाते हुए सऊदी अरब ने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना स्टार्ट कर दिया है और इनको जो है अब गाड़ी चलाने की अनुमति भी दे दी है। और देखिए, सऊदी अरब जो है यहाँ पर अब 18 साल या इससे अधिक उम्र की जो महिलाएं होंगी वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी, ठीक है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी यही केवल जो है इस ड्राइविंग लाइसेंस को पाने की हकदार होंगी और इनको ड्राइविंग का जो मतलब इनको ड्राइविंग करने की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। देखिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा जो है ये है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के जो किंग है इनका नाम है सलमान आप सऊदी अरेबिया। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा सऊदी अरब के बारे में भी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कृषि कल्याण अभियान आरंभ किया गया है? तो देखिए, ये आरंभ किया गया है भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यानी कि भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में कृषि कल्याण अभियान स्टार्ट किया है और इस अभियान के तहत किसानों को उत्तम तकनीकी और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी। और देखिए, एक सबसे खास बात यह है कि ये कृषि कल्याण अभियान जो है इसका आयोजन नरेंद्र मोदी के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। यानी ये टोटल जो है आपका 2 महीने तक चलेगा एक अभियान के रूप में। और इस अभियान में जो आपके कृषि अधिकारी होंगे या फिर जो आपके बकरी पालन या फिर पशुपालन से संबंधित ऑफिसर्स होंगे वो जो है किसानों को जाएंगे और उनको जो है नई नई तकनीकी के बारे में बताएंगे कि आप जो है अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं नई नई तकनीकी का प्रयोग करके। तो आप जो है कृषि कल्याण अभियान से संबंधित ये सभी जानकारी याद रखेंगे कि कृषि मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में कृषि कल्याण अभियान स्टार्ट किया गया है और ये जो है 1 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 के बीच में चलेगा, ठीक है। और आज का चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नामक संग्रहालय की स्थापना के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो देखिए, ये गठन किया गया है हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और सबसे खास बात यह है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनका जो आधिकारिक आवास था जिसका नाम है 3 मूर्ति एस्टेट, ठीक है, इसको जो है अब संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और वर्तमान में भी ये आपका जो 3 मूर्ति एस्टेट है
ये एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ही है, ठीक है। और लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ ये जान लीजिए। देखिए जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है अब इसको जो है संग्रहालय में कन्वर्ट करेगा, और भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, उनका इसमें जो है स्टैचू लगाया जाएगा और उनके बारे में टोटल जो है डिटेल में जानकारी दी जाएगी, कौन से प्रधानमंत्री कब पैदा हुए, कहाँ से जो है ये इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और कितनी बार ये प्रधानमंत्री हैं और इनका योगदान क्या रहा, ठीक है। मतलब ऐसी सारी जानकारियाँ जो है इस संग्रहालय में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगी। तो आप याद रखिएगा कि भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नामक संग्रहालय की स्थापना करने की हाल ही में घोषणा की गई है, और ये जो है नई दिल्ली के तीन मूर्ति एस्टेट में बनाई जाएगी संग्रहालय जो है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को गो एयर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये अपॉइंटमेंट हुआ है कर्नेलिस रिस्विक का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि कर्नेलिस रिस्विक को हाल ही में गो एयर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। और देखिए गो एयर के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये जो है भारत की जो है एक किफ़ायती विमान सेवा है जो कि सस्ते दरों पर जो है विमान सेवा प्रदान करती है। और ये समझ लीजिए जैसे आपकी जो टैक्सी सेवा होती है आपके लोकल स्थानों पर, उसी प्रकार जो है ये भारत के सभी शहरों में, ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनके लगभग सभी शहरों के बीच में जो है ये कनेक्शन प्रदान करती है वायु सेवा का। और देखिए जो गो एयर है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है ये मुंबई में है और इसके फाउंडर हैं जहांगीर वाडिया। और देखिए गो एयर जो है इसकी स्थापना सन 2005 में हुई थी। देखिए आपने नेस वाडिया का नाम सुना होगा और प्रीति जिंटा का, उन्होंने जो है थप्पड़ मार दिया था प्रीति जिंटा को तो काफ़ी बवाल हो गया था। तो देखिए मेरा विवाद से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको एक चीज़ को रिलेट करना चाहता हूँ। देखिए जो नेस वाडिया, ठीक है, उन्हीं के खानदान की यानी कि जो जहांगीर वाडिया हैं ये इन्हीं के खानदान के हैं, तो इन्हीं की ये कंपनी है गो एयर, ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, जन औषधि सुविधा क्या है? तो देखिए जन औषधि सुविधा जो है ये एक सैनिटरी पैड यानी कि सैनिटरी नैपकिन का नाम है, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन आप जानते होंगे, अभी हाल ही में पैडमैन नामक एक पिक्चर भी रिलीज हुई थी अक्षय कुमार के द्वारा, तो काफ़ी जागरूकता फैलाई गई सैनिटरी नैपकिन के बारे में। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि जो भारत सरकार है, ठीक है, इसने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो है पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन जिसका नाम है जन औषधि सुविधा जो है इसकी शुरुआत की है। और देखिए एक खास बात यह है कि ये जो आपका बायोडिग्रेडेबल यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जो सैनिटरी पैड है ये जो है पूरे देश में जो है 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3600 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो आप जो है देखिए जन औषधि केंद्र जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर जो है दवाएँ काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, कभी कभी देखता हूँ मैं किसी किसी दवा पे जो है 50% तक जो है छूट मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है छूट के साथ मिलती है। तो आप जो है अगर आपको कोई दवा वगैरह लेनी हो तो आप जो है जन औषधि केंद्र का प्रयोग जरूर किया कीजिए, आपके जो है आधे पैसे बच जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि जन औषधि सुविधा जो है ये एक सैनिटरी नैपकिन का नाम है जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, ठीक है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वकील को मलेशिया के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति हैं आपके टॉमी थॉमस, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि टॉमी थॉमस को हाल ही में मलेशिया के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए जो है ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए जो आपके टॉमी थॉमस है, ठीक है, इनको संवैधानिक और दीवानी मामलों के कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है और ये जो है पिछले 42 सालों से मलेशिया के वकील के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, यानी कि मलेशिया में ये जो है एडवोकेट के प्रोफेशन में यानी कि वकालत के प्रोफेशन में जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है कानूनी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है मलेशिया के, इसलिए जो है इनको वहाँ का अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है हाल ही में। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2019 से नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग सहित प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये घोषणा की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी के द्वारा। तो आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में अब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल बैग और प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। देखिए तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और चेन्नई जो है इसका पुराना नाम है मद्रास और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई पलानी स्वामी। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नवा प्रश्न है, रैथु बंधु जीवन बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये संबंधित है तेलंगाना से और देखिए तेलंगाना में अब जितने भी किसान हैं उनको रैथु बंधु जीवन बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। और देखिए इस रैथु बंधु जीवन बीमा योजना को संचालित करने के लिए हाल ही में
जो तेलंगाना की सरकार है, इसने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आप ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आपको सबसे पहले याद रखना है कि रैतु बंधु जीवन बीमा योजना तेलंगाना से संबंधित है और इस प्रकार के प्रश्नों का आजकल ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो आप जो है इस प्रश्न को याद रखिएगा। और इसके तहत देखिए, जो किसान है तेलंगाना के, इनको 5 लाख रुपए तक की जीवन बीमा प्रदान की जाएगी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंत्रियों के अनौपचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए, ये सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है पेरिस में, ठीक है। और देखिए, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं भारत के सुरेश प्रभु, इन्होंने 31 मई 2018 को पेरिस में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रियों के अनौपचारिक सम्मेलन में शिरकत की और यहाँ पर जो है भारत की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया। देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं, ठीक है। और इस 164 में से केवल 28 सदस्य देशों और WTO के महानिदेशक जो है इन्होंने जो है इस अनौपचारिक सम्मेलन में भाग लिया। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। अब बात करते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की। देखिए, इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसकी सदस्यता है टोटल 164 देशों की, यानी कि जो WTO है इसमें टोटल 164 सदस्य देश हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि WTO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और देखिए, एक प्रमुख हेडलाइन से आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, देखिए जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा अभी हाल ही में जो 4 सरकारी बैंक हैं इनके विलय की जो है तैयारी स्टार्ट कर दी गई है और जल्द ही इसकी तैयारी पूरी कर ली जाएगी और इनका विलय भी कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या डिटेल हैं। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर है इस पर लगातार बढ़ रहे घाटे में सुधार लाने के लिए 4 बैंकों का विलय किया जा सकता है और ये बैंक है आपके IDBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इनको मिलाकर अब जो है एक बड़ा सा बैंक बनाया जाएगा और यदि ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला बैंक होगा जो बनेगा, ये भारतीय स्टेट बैंक के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। और देखिए, इस नए बैंक की संपत्ति जो है ये लगभग 16.58 लाख करोड़ रुपये हो सकती है, यानी कि SBI जो है ये अभी भी टॉप पे रहेगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक बना रहेगा। और इसके बाद जो है ये जो नया बैंक बनेगा इन चारों के विलय के बाद वो सबसे बड़ा बैंक होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको बैंक का नाम याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक का जो है किन बैंकों का हाल ही में विलय किया गया है, तो आपको याद रखना है कि IDBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को मिलाकर जो है एक नए बैंक बनाने की हाल ही में जो प्लानिंग तैयार कर रही है आपकी भारत सरकार, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर और पिछले करंट अफेयर पर आधारित स्पीड टेस्ट को। और देखिए, इस स्पीड टेस्ट में मैं वही प्रश्न सम्मिलित करता हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना जो है वो 100% होती है। तो आप जो है स्पीड टेस्ट जरूर दिया कीजिए अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ हो। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी लगा हुआ है, आप जो है किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको स्पीड टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको जो है आज का करंट अफेयर आज ही तैयार हो जाता है और पिछले करंट अफेयर जो है वो रिफ्रेश हो जाते हैं। और देखिए, हर प्रश्न के बीच में मैं आपको टोटल 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड में आपको जो है सही विकल्प चुनना है और उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो स्पीड टेस्ट है। इसका पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत किस स्थान पर है? तो आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का दूसरा प्रश्न है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं पर लगे ड्राइविंग पर प्रतिबंध को हटाते हुए महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया है? तो जल्दी से सही विकल्प चुनिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का 10वां प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक UBS की स्टडी के मुताबिक भारत के किस शहर के कर्मचारी सबसे अधिक समय तक काम करते हैं?
तो देखिए ये पिछले करंट अफेयर का प्रश्न है, आप जो है ये वीडियो देख लीजिएगा पिछले करंट अफेयर का, क्योंकि उसमें जो है इससे जुड़ी कई सारे फैक्ट भी हैं। तो अभी बस आपको इतना ही बताना है कि स्विट्जरलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक UBS की स्टडी के मुताबिक भारत के किस शहर के कर्मचारी जो है सबसे अधिक समय तक काम करते हैं। आपके सामने चारों विकल्प मौजूद हैं, सही उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और आज के स्पीड टेस्ट का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कृषि कल्याण अभियान का आरंभ किया गया है। तो आप जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का छठा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को गो एयर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में वहां के राष्ट्रीय आर्किड गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को चिन्हित करने के लिए उनके नाम पर एक आर्किड का नाम डेंड्रोबियम नरेंद्र मोदी रखा गया है। तो आप सही उत्तर चुनिए और जल्दी से सही उत्तर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का आठवां प्रश्न है, जन औषधि सुविधा क्या है। तो आपको बताना है जन औषधि सुविधा क्या है। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। और आज के स्पीड टेस्ट का नवा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। तो आप जल्दी से सही विकल्प चुनिए और सही उत्तर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। और आज के स्पीड टेस्ट का दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। तो आप जल्दी से सही विकल्प चुनिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय यही समाप्त होता है। अब मैं आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर बता देता हूं। आप जो है अपने उत्तर का मिलान करके बताइए कि आज आपने 10 में से कितना स्कोर किया। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न का कौन सा सही उत्तर है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का सही उत्तर है भारत जो है ये पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में जो है 177वें स्थान पर है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून को, यानी कि आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम रही 2018 की बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है सऊदी अरब। ठीक है। इसने जो है महिलाओं पर अब जो ड्राइविंग का प्रतिबंध था उसको हटा दिया है और उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है आपका मुंबई। ठीक है। यहाँ के कर्मचारी जो है ये सबसे अधिक समय तक काम करते हैं और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में कल के वीडियो में बताई है, तो आप कल का वीडियो जरूर देखें। और देखिए पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है कृषि मंत्रालय। ठीक है। इसके द्वारा हाल ही में कृषि कल्याण अभियान स्टार्ट किया गया है। और छठे प्रश्न का सही उत्तर है आपका कर्नेलिस रिसविक। ठीक है। इनको अभी CEO अपॉइंट किया गया है गो एयर का। और सातवें प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है सैनिटरी नैपकिन। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने। दसवें प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। ठीक है। और ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में जो है अभी हाल ही में जो पिता होता है, ठीक है, अगर इसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है तो उसको जो है मतलब जो पिता है अगर वो सरकारी नौकरी करता है तो उसको 15 दिन का जो है पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है हरियाणा की सरकार ने, और इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में कल के वीडियो में बताई थी। तो आप जो है अपना स्कोर अब मिला लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज आपने 10 में से कितने नंबर स्कोर किए हैं। तो देखिए 10 में से 10 स्कोर तभी कर पाएंगे आप जब डेली जो है रेगुलर रहेंगे, डेली का करंट अफेयर देखेंगे और जो है इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो आप जो है डेली का करंट अफेयर मिस मत किया कीजिए। एक एक करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए एग्जाम में आदमी एक एक नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि पॉइंट मतलब कभी कभी तो दशमलव में जो है
मतलब मेरिट बनती है, तो 0.01 0.02 नंबर से जो है आदमी फेल हो जाता है। तो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो है एक एक दिन का करेंट अफेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आज का करेंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। आप जो है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त जो है वो भी इस वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।